श्रद्धा मर्डर केस, जिसने देश के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे कि आप अब तक इस मर्डर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल की डेटिंग ऐप कितने खतरनाक हो गए हैं। तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देश में बढ़ते अपराध के लिए यूज हो रहे इन डेटिंग ऐप्स के बारे में ही बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही हमारे चैनल द न्यूज 15 को आज ही सब्सक्राइब कर दें। डेटिंग ऐप से किसी भी रिलेशन को शुरू करने से पहले सावधान रहने की जरूरत है। साल 2020 के बाद सब कुछ काफी तेजी से बदला। कोविड की वजह से कई काम ऑनलाइन भी होने लगे। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल भी लॉकडाउन के दौरान काफी ज्यादा बढ़ा। लोगों ने वर्चुअल दुनिया के जरिए अपने पार्टनर को तलाशना शुरू कर दिया। हालांकि ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के अपने रिस्क भी हैं। इस वजह से आपको ऑनलाइन डेट करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे जुड़ी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। कभी कभी डेटिंग करना नुकसान भी कर सकता है, खासकर जब वह ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग में अक्सर हम सामने वाले पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में किसी भी तरह से अपने रिलेशनशिप को और भी आगे बढ़ाने से बेहतर है हम अपने पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी रखें। रिलेशनशिप को ओपन होने के लिए कुछ समय तो लग ही जाता है। ऐसे में ऑनलाइन डेटिंग के दौरान महिलाओं को चाहिए कि वह अपनी प्राइवेसी को बनाकर रखें। हर चीज खुलकर बता देना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए कुछ बातों को प्राइवेट रखना अपने रिलेशनशिप के लिए बेहतर है। साथ ही आपको ये भी जानने की आवश्यकता है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप में ज्यादा दिन तक टिक पाने की गुंजाइश कम होती है, इसीलिए ऐसे में अपने पार्टनर को काफी महंगे गिफ्ट देने से परहेज करें। आपकी डेटिंग प्रोफाइल में किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मुख्यतः तीन चीजें होती हैं। इसमें आपकी फोटो, आपका नाम और आपका इंटरेस्ट है। ऐसे में अपनी रियल फोटो का इस्तेमाल करें, लेकिन इमेज ही वैसी होनी चाहिए जिसमें आपके एड्रेस और दूसरी डिटेल्स पता ना चले। कभी भी डेटिंग ऐप पर फुल नेम का इस्तेमाल ना करें। वेरिफिकेशन के लिए आप अपना पहला नाम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट को भरते समय भी ध्यान दें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम को कभी भी डेटिंग ऐप पर अटैच ना करें। इससे आपके बारे में कोई भी आसानी से कई चीजें पता लगा लेगा। इस पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बाद भी कई जानकारियां मिल जाती हैं। अपने फोन नंबर या मैसेजिंग ऐप हैंडल को कभी शेयर ना करें, जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो। मैच मिलने के बाद भी सामने वाले शख्स को पूरी लाइफ की स्टोरी ना बताएं। आपको हर बार ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बाद में ये भले आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, लेकिन शुरुआत में आपको काफी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही मुलाकात के लिए हमेशा पब्लिक प्लेस का ही इस्तेमाल करें। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए द न्यूज 15 को आज ही सब्सक्राइब कर दें।